नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की दो नई नवेली टीमें लखनऊ में आमने सामने होने वाली हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं नीदरलैंड्स और अफगानिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले की। ये मैच 3 नवंबर को होने वाला है। दोनों टीमें टूर्नामेंट की अंडरडॉग टीमें मानी जाती हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों ने अपने खेल से सबको प्रभावित किया है। नीदरलैंड्स ने विश्व क्रिकेट में दो बड़ी टीमों दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश को बड़े अंतर से हराया है, जबकि अफगानिस्तान ने भी गत चैंपियन इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका को बड़े अंतर से मात दी है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच इस मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। वहीं पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो अफगानिस्तान 6 मैचों में 3 जीत के साथ अंक तालिका में 6ठे स्थान पर मौजूद है, जबकि नीदरलैंड्स खेले गए 6 मैचों में से 2 जीत के साथ 4 अंक लेकर अंक तालिका में 8वें स्थान पर है। ऐसे में दोनों टीमों की नज़रें इस मुकाबले को जीतकर अपनी अंक तालिका की पोजीशन को सुधारने की होंगी, क्योंकि अफगानिस्तान अपने बाकी 2 मैचों को जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने की किसी न किसी तरीके से क्वालिफाई करने के लिए ज़रूर कोशिश करेगी। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हम इस मैच से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प आंकड़े बताने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ, यदि आप ड्रीम गेम के शौकीन हैं और अपनी ड्रीम टीम बनाना चाहते हैं तो किन खिलाड़ियों पर आप दांव लगा सकते हैं, ये मौका भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स दोनों टीमों की बल्लेबाजी की बात की जाए तो लगभग सभी खिलाड़ी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान की टीम के टॉप ऑर्डर से लेकर मध्यक्रम तक के बल्लेबाज लगातार लंबी पारियां खेल रहे हैं, जबकि नीदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने पिछले 2 मैचों में बैक टू बैक हाफ सेंचुरी लगाकर टीम को अच्छी फॉर्म में होने के संकेत दिए हैं। वहीं अभी तक इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों की जीत दर्ज करने के पीछे गेंदबाजों का भी बड़ा हाथ रहा है। गेंदबाजों के प्रदर्शन की बदौलत दोनों टीमों को टूर्नामेंट में बड़ी टीमों को हराने में सफलता मिली है। नीदरलैंड्स और अफगानिस्तान के बीच वनडे क्रिकेट इतिहास में अब तक कुल 9 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 7 मैचों में अफगानिस्तान को जीत हासिल हुई है, जबकि महज 2 मैचों में ही नीदरलैंड्स जीत पाई है। वहीं एक दिवसीय विश्व कप की बात की जाए तो दोनों टीमों का पहली बार मुकाबला होने वाला है। ऐसे में एक दूसरे के खिलाफ कड़ी टक्कर पेश करके टीम जीत की पटरी पर लौटना चाहेंगी। इस मैच में की प्लेयर्स की बात की जाए तो अफगानिस्तान की टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस मैच में अफगानिस्तान की तरफ से हशमतुल्ला शाहिदी, रहमत शाह, इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद पर सबकी नजरें टिकी रहने वाली हैं, जबकि दूसरी तरफ नीदरलैंड्स की बात की जाए तो मैक्स डाउड, वेस्ले बारेसी, बॉस डी लीडे, कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स, आर्यन दत्त पर बेहतरीन खेल प्रदर्शन करने का दारोमदार रहने वाला है। यदि मैच परिस्थितियों की बात की जाए तो यह मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। लखनऊ की पिच लो स्कोरिंग मुकाबलों के लिए जानी जाती है। स्पिन गेंदबाज इस विकेट पर बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान करते हैं, जबकि बल्लेबाजी करना भी यहां पर मुश्किल होता है। इसी के साथ स्टिक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करने से तेज गेंदबाजों को भी इस पिच पर काफ़ी मदद मिलती है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि दोनों टीमें अंडरडॉग मानी जा रही हैं। खिलाड़ियों का लेवल भी लगभग बराबर का ही है। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से ड्रीम इलेवन के खिलाड़ियों की नज़र डाली जाए तो हशमतुल्ला शाहिदी, रहमत शाह, स्कॉट एडवर्ड्स, इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, बॉस डी लीडे, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, आर्यन दत्त और विक्रमजीत सिंह जैसे खिलाड़ियों का प्रयोग करके आप अपनी ड्रीम टीम को मजबूत बना सकते हैं। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर लाइव दिखाया जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक और शेयर करें, और हाँ, क्रिकेट की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सौगंध टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।